नमस्कार, आज हम आप लोग को चूरा का टिक्की बनाकर दिखाएंगे, जिसको टिकिया बोलते हैं। इसमें हमको चाहिए ये एक कटोरा चूरा, दो प्याज, यहाँ से थोड़ा सा जरूरत भर हम अदरक लेंगे, थोड़ा मिर्चा ले लेंगे, आ एक गाजर कद्दूकस करेंगे, उबला हुआ आलू है इसको भी कद्दूकस कर देंगे, और ये शिमला मिर्चा इसको छोटा छोटा करके काटेंगे। आप लोग को दिखाते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए ये चूड़ा को हम धो लिए, धो के इसको 10 मिनट रख लिए। आलू को उबला हुआ आलू जो है इसको हम कद्दूकस करके रखे, ये अदरक भी कद्दूकस किए, मिर्चा छोटा छोटा काटे, ये शिमला मिर्चा इसको भी हम छोटे छोटे काट लिए, प्याज को भी छोटा छोटा काटे, ये गाजर है गाजर को हम कद्दूकस कर लिए, और नमक जितना जरूरत है उतना ही डालेंगे, और थोड़ा सा ये चाट मसाला थोड़ा सा डालेंगे। अब इसको एक साथ में सबको हम मिक्स करेंगे, एक साथ में सबको मिक्स करेंगे। ये सब डाल रहे हैं, सबको एक साथ में मिला करके हम एक ठो डो जैसा तैयार हो जाएगा, फिर उसको हम टिक्की का साइज देंगे। ऐसा साइज देना है ये टिक्की, टिकिया बन जाएगा। इसको थोड़ा हल्का तेल में इसको छान लेना है। अब देखिए पूरा टिक्की यह बन गया मेरा। हाँ, टिकिया पूरा इधर में भी थोड़ा है। अब इसको हम तेल में छानेंगे। ये देखिए एक एक करके हम इसमें डालेंगे। थोड़ा लाल लाल होगा पीछे से, ब्राउन ब्राउन, तो उसको हम पलट देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये टिकिया बनके तैयार हो रहा है। इसी तरह ब्राउन ब्राउन होगा थोड़ा सा, तो आप पलट पलट के कलर ठीक कर लेना है, बस तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह बनाइएगा। ये देखिए चूड़ा का टिकिया बनके तैयार है। इसी तरह आप लोग घर में बनाइएगा, खाइएगा, कोई भी सॉस के साथ इसको खा सकते हैं। आप लोग खा कर बताइएगा, बनाइएगा तो ज़रूर, और खा के बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगता है। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।